जब से बॉर्डर गेट लगा दिया गया तब से बिल्कुल सारे अपराध, इतने अपराध, खुल्लम खुल्ला अपराध हो रहे हैं। बताओ महिलाएं कैसे जिए, बच्चों के ऊपर कोई नहीं देख रहे, पुलिस सुनती नहीं है कि उनके पतियों को जो ये लोग उधर उधर फैला फुसला के अपने कब्जे में करे, ये सारा पैसा रह गई। बस मेरा विभाग इतना सुन ले कि मेरे पति की मेरे बच्चों पर परचाई पड़ने लगे और ये सेक्स रैकेट को पकड़ा जाए। इन्होंने जिस तरह से मेरे बच्चों को और मुझको दुखी किया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती सर जी। ये सब पुलिस वाले भी इनकी नहीं, सब में घुस जाते हैं जाकर, और मांगो कुछ नहीं सुना जा रहा मेरी। तो मेरा मैं चाहते कि मेरे अधिकारियों तक ये बात पहुँचाई जाए। इस बर्रा थाने में जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं लगातार 10 साल पोस्ट रही हूँ। जिस महीने में थाना बना बर्रा उस महीने में मैं पोस्ट हो गई थी यहाँ। मेरा सबसे कहीं भी जानकारी कर जाए, नंबर एक का काम, सबसे अच्छी ड्यूटी, रात दिन मेरी ड्यूटी, इसकी चीज की भी जांच कर ली जाए कि 1% मैं कहीं से भी वो हूँ। 10 साल लगातार मैं इसमें बर्रा थाने पहुंच रही, आज मैं लगातार जा रही, दिन में भी जा रही, रात में भी जा रही। सर जी मेरे एक भी नहीं सुनी जा रही, कुछ नहीं सुनी जाती। मैं SP साहब के यहाँ में गई थी 3 तारीख को, वहाँ वो भी कागज का दबा लिया गया, सारे कागज मेरे दबा लिए जाते हैं, कुछ नहीं करा जाता मेरा। हम तो बिल्कुल जीने के लिए मजबूर हो गए बिल्कुल, कि अब हम कैसे जिएंगे, क्या करें, हम बच्चों को लेके कहते ही हम तीनों बच्चों को लेके हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारी ना सुनेगी, तो ट्रांसफर मेरे बच्चों पर कर दिया जाए और बस जिनसे मैं अपने बच्चे देख सकूं और सकूं। उसमें ड्यूटी, रात में ड्यूटी करते हुए मेरी कहीं से भी जांच कर ली जाए। मैं